अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू विल बी फाइन। एंड टुडे आवर टॉपिक इज एंगल्स। द डिफरेंट एंगल्स बिटवीन द आवर्स हैंड एंड द मिनट हैंड इज शोन अबव। वो कह रहे हैं हमारे पास अब डिफरेंट एंगल्स हैं, किसके दरमियान? आवर हैंड एंड मिनट हैंड के दरमियान हमारे पास जो डिफरेंट एंगल्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं। The amount of turn between two straight lines that have the same endpoint is called an angle. The straight lines are called arms, while the endpoint is called its vertex. अब वो कह रहे हैं दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान जो अमाउंट ऑफ टर्न है सेम एंड पॉइंट पे, वो क्या कहलाती है? एंगल। द स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड आर्म्स। वो स्ट्रेट लाइन है उसे क्या कह रहे हैं? आर्म्स। जबकि जो एंड पॉइंट है उसे क्या कह रहे हैं? वर्टिक्स। ये देखें आपको, ये जो दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये आर्म्स हैं, और ये यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है एंड पॉइंट, वो क्या है हमारे पास? वर्टिक्स। इन द डायग्राम बिलो द इंटरसेक्टिंग लाइन्स ओ ए एंड ओ बी इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट ओ एंड द एंगल इज फॉर्म बिटवीन द टू लाइन्स द एंगल इज कॉल्ड ए ओ बी और बी ओ ए। अब वो कह रहे हैं ये जो डायग्राम आपको शो हो रही है इसमें दो लाइन्स हैं, यानी कि एक ओ ए इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड ओ बी कौन से पॉइंट पे? ओ पे। यानी कि ये देखें ओ बी एंड ओ ए एंड एन एंगल इज़ फाउंड बिटवीन द टू लाइन्स। और एंगल कहाँ पे हमारे दो लाइन्स के दरमियान पे, यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास ये लाइन्स है, ये हमारे पास क्या है? एंगल। दिस एंगल इज़ कॉल्ड ए ओ बी और बी ओ ए। अब इस एंगल को क्या है कह रहे हैं? ए ओ बी और बी ओ ए। द सिंबल टू रिप्रेजेंट एंगल इज़ दिस। वो कह रहे हैं अब जो सिंबल है एंगल का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो चीज़ है ये हमारे पास ये। दिस साइज ऑफ एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज, सो राइट द एंगल एज एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। वो कह रहे हैं जो एंगल का साइज है वो किस में मेजर करते हैं हम? डिग्रीज में। तो सो राइट द एंगल्स, हम कैसे एंगल्स को लिखेंगे? एज एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए।